जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट को निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से, कौन से स्टेज में है उनका कोरोना। जानेंगे अगली सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान को दिया झटका जर्मनी ने। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी को मिला देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे, ईशान शर्मा अर्जुन पुरस्कार मिलने पर हुए खुश, बताए 13 साल की कड़ी मेहनत का जो है नतीजा है ये। और साथ ही हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, एक ऐसा मास्क जिससे टकराते ही मर जाएंगे सभी वायरस, और कितनी बार भी उसे धो लीजिए नहीं होगा वो खराब। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में, कौन कौन से राज्यों में स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया। साथ ही हमको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, उनके लिस्ट के बारे में, कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ से चलाई जा रही, तमाम चीजों को इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुनिया के सबसे तेज धावक उसे कोरोना की चपेट में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दुनिया के सबसे तेज धावक एक जमैका के उसेन बोल्ट को लेकर पहले खबर आई कि वह महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, और सोशल मीडिया पर उनके फैंस अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करने लगे। हालांकि इस खबर आने के कुछ ही देर बाद उसेन बोल्ट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा, अब तक का रिपोर्ट का जो है इंतजार चल रहा है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। और सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने पर काफी ज्यादा लोगों ने जो है उनके लिए दुआ मांगना शुरू कर दी, जिसको लेकर उन्हें खुद सामने आके इस बात की जो है पुष्टि की कि अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि वह एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन में चले गए हैं। बोल्ट ने अपने ट्विटर पेज पर छोटा सा वीडियो डाला, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि 21 अगस्त को अपने जन्मदिन के जश्न में उन्होंने सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। तो चलते हैं हम अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मुल्क को लगातार जी है दोस्तों पूरी दुनिया से जो है थू थू जो है सुनना पड़ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को सीधी तरह से नकार दिया है जर्मनी ने। हम बात करें जी है दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबरों में, जहां पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पनडुब्बी को छुपाने का। जी हाँ दोस्तों, जर्मन फेडरल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को यह फैसला 6 अगस्त को सुना दिया था। पाकिस्तान ने AIP मांगा था ताकि उसकी पनडुब्बी को सतह पर ना आना पड़े। AIP सिस्टम से पनडुब्बियों की जंगी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि डीजल इंजन बिना एटमॉस्फेरिक हवा के हफ्तों चल सकता है। परंपरागत पनडुब्बियों को हर दूसरे दिन सतह पर लौटना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख उसकी आतंकवाद की गतिविधियों को लेकर जो है जारी किया। उसने साफ साफ कहा कि आतंकवाद को करने की नाकाम कोशिश की वजह से, खासकर 2017 में काबुल में जर्मनी के दूतावास पर हुए बम धमाके के दोषियों को सजा दिलवाने में पाकिस्तान असफल रहा। करीब 150 लोगों की जान लेने वाले धमाके के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ था, जिसे पाकिस्तान से समर्थन मिला था। इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए जर्मनी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उसकी पनडुब्बियों को छुपाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगी, और पाकिस्तान को लगा एक और करारा झटका। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका नाम है जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी को मिला देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे। ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को जोड़ेगा ये रोपवे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें देश के सबसे बड़े ये ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, असम के गुवाहाटी में सबसे लंबा ये रिवर रोपवे का उद्घाटन हुआ। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों को जोड़ेगा, 1.8 किलोमीटर लंबा है रोपवे। किसी नदी पर बना देश का अब तक का सबसे लंबा रोपवे। बात करें अगर एग्जाम की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप किसी भी सरकार। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पार्टी नेताओं को नसीहत दे दी जा चुकी है, तमाम अटकलों पर आखिरकार खारिज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और सोनिया गांधी अगले 1 साल तक अंतरिम तौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ईशान शर्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आखिरकार 13 वर्ष की कड़ी मेहनत का फल मुझे मिला। भारतीय तेज गेंदबाज ईशान शर्मा ने कहा कि इस साल अर्जुन पुरस्कार मिलना उसके पिछले 13 साल की कड़ी मेहनत का फल है और उन्हें स्वयं पर गर्व है। दिल्ली के 31 साल के तेज गेंदबाज ने कहा कि उनके परिवार के, विशेषकर उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। ईशान और महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा उन 27 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरी ओर भारत के सीमित ओवरों
खेलों के उपकप्तान रोहित शर्मा को उन 5 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है जिन्हें देश का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी खेल रत्न से चुना जाएगा। बीसीसीआई के अपने ट्विटर हैंडल पर डाले संक्षिप्त वीडियो संदर्भ में इसाद ने कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे आया तो मैं काफी खुश हुआ और अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। पिछले 13 सालों में मैंने काफी कड़ी मेहनत की और इसलिए यह मेरे और मेरे परिवार के लिए गौरवपूर्ण रहा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबरों में से है कि इशांत शर्मा जी को अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां दोस्तों, एक ऐसा मास्क जिससे टकराते ही मर जाएंगे वायरस, कितना भी धोए नहीं होगा खराब। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसे मास्क के बारे में जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चालू है। कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात में फेस मास्क हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। लोगों द्वारा कामकाज फिर से शुरू किए जाने में मास्क का महत्व न सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से बढ़ गया, बल्कि यह सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जरूरी एक्सेसरी बन गया है। पूरे परिवेश को ध्यान में रखते हुए यूनिमास्क ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है यानी पेश किया है बाजार में, जो एंटीवायरल उपचार के साथ पेश किया गया है। 100% कॉटन से तैयार ये मास्क न सिर्फ स्किन फ्रेंडली है बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन भी है। ये नए मास्क फैब्रिक पर एंटीवायरल ट्रीटमेंट के साथ 100% उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल कर पाते हैं। मास्क को ऑस्ट्रेलिया से उस हेल्थ गार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया गया जिसे सार्स को 2H1N1 के बैक्टीरिया और अन्य नुकसानदायक वायरस को फैब्रिक के साथ संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में नष्ट करने के लिए जाना जाता है। यह टेक्नोलॉजी फैब्रिक के संपर्क में आए वायरस के 99.94% नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये जो है मास्क बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है। और इसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक इसकी कीमत जो जारी हुई कि 495 रुपये का ये मास्क, यानी कि ये बजट फ्रेंडली भी है, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस मास्क की कीमत 495 रुपये रखी है। 3 अलग अलग रंगों, सफ़ेद, वाइन रेड और ब्लू में ये उपलब्ध है। मास्क को जो है स्टाइल, आराम और सुरक्षा का उपयुक्त समावेश किया गया है। आरामदायक ईयर लूप कंफर्टेज, यानी कि पूरी तरह से कंफर्टेबल भी है अगर आपको यूज करना। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल इसकी सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ जो है कोरोना वायरस की अपडेट को लेकर। देश में जहां कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, जी हाँ दोस्तों, और देश में लगातार कोरोना वायरस के नए मामले में रिकॉर्ड जो है छूते जा रही है भारत सरकार। भारत में लगातार पिछले 15 दिनों से 60,000 से 70,000 के बीच नए मामले प्रतिदिन आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का स्थान तीसरे क्रम स्थान पर पहुंच चुका है। और आने वाले कुछ ही महीनों में अगर रफ्तार इसी तरह रही तो भारत दूसरे स्थान पर भी काबिज हो जाएगा। बात करें कोरोना वायरस के मामले में लेके, अभी भी महाराष्ट्र मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है और लगातार वहां पे संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर जो आ रही है शिक्षा जगत से। जी हां दोस्तों, जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर, जो इसका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर से, उसको लेकर देश भर में तमाम इलाकों में काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है विद्रोह सीधा सरकार के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने, सभी बच्चों ने जो है कमेंट किया है कि मोदी सरकार लगातार इस पे चुप्पी साधी क्यों है, जब पूरे देश में चाहे वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हो, चाहे अभी तक कोई फैसला भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे सहमति जता दी कि बच्चों को एग्जाम देना जरूरी है। और यूजीसी ने भी जो है साफ साफ अपने हाथ खड़े कर लिए कि किसी बच्चों को कोरोना होता है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस प्रकार भारत सरकार जो है बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और लगातार सरकार के खिलाफ जो है लोगों ने कमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया कि सरकार को इस बात पे दोबारा सोचना होगा कि बच्चों के लिए सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनका एग्जाम। बात करें, देश में प्राकृतिक आपदा लगातार बनी हुई है और देश के कई राज्यों में बाढ़ से जो है सभी लोग अस्त व्यस्त है, जीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से यातायात के साधन भी वहां उपलब्ध नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि रेलवे पूरी तरह से अभी ठप है, यानी कि लोकल और पैसेंजर ट्रेनें बंद है। अब आप इस बात का नजर लगा सकते हैं कि बच्चों का एग्जाम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और वो कैसे जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर जो है सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी तक इस मामले पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। बात करें नीट और जेई के बच्चों को मिलाकर टोटल 27 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए सेंटरों पर जाएंगे। 27 लाख बच्चे अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं अलग अलग सेंटरों पर, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंट्रेक्शन होगा। और इस इंट्रेक्शन के बीच जो भारत में ऑलरेडी 70,000 मामले रोज नए आ रहे हैं, अगर ये 27 लाख के बाद अगर ये मामले दुगना या तिगुना हो जाते तो इसके जिम्मेदार कौन होगी? क्या भारत सरकार लगातार जो 3 महीने लॉकडाउन की, क्या उसका नतीजा यही है कि एक साथ लोगों को एक साथ खोल दिया जाए? पहले भारत सरकार लगातार, यानी मोदी सरकार पूरी तरह से इस बात पर जो है अपनी पीठ थपथपा दी रही कि उन्होंने सभी कुछ बंद करके देश को बचाया है कोविड-19 की महामारी से, लेकिन अब क्यों 27 लाख बच्चों को फिर से झोंका जा रहा है इस कोरोना
वायरस की महामारी में, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की रफ्तार भारत में कम नहीं हुई है और 27 लाख बच्चों का इकट्ठा होना यह अपने आप में एक खतरे का संकेत है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगर बच्चों के एग्जाम्स को लगातार सरकार जी हां दोस्तों टालती रही, यानी कि एग्जाम्स 1 सितंबर को ही होते हैं, तो देश में तमाम लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनों को खोलने की बात जो है बहुत जोर शोर से शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स जो है दूर होते हैं और उनकी जाने के लिए यातायात का एकमात्र साधन है जो है रेलवे, और रेलवे को शुरू किया जा सकता है 1 तारीख से। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है जिसमें साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द मेट्रो ट्रेलर को जो है एक बार ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जाए ताकि जीवन जो है फिर से एक बार पटरी पर लाया जा सके। बात करें दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरी तरह से कोरोना पर नियंत्रण कर रखा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जो है जानकारी मीडिया के माध्यम से दी, और फाइनली कहा गया कि जल्द से जल्द वहां पे जो है 1 सितंबर से या 10 सितंबर से वो जो है दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं कि वहां पे मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। बात करें देश के अन्य राज्यों में तो फिलहाल पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनें जी हां दोस्तों 1 तारीख से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन देश में चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या में कहां कहां इजाफा होगा इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, जैसे आपको दिल्ली से पंजाब जाना है या पंजाब से हरियाणा जाना है या फिर आपको गुजरात में से जो है मुंबई के लिए सफर करना है, इन तमाम जैसे कोई भी रूट हो आपका आपको कमेंट में लिखना होगा ताकि हम आपको बता सके कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें